Sanjeev Jha, Aam Aadmi Party MLA, is joining us as well on the broadcast. Sanjeev Jha, this is big relief for your party. Your first reaction to this news coming in? Oh, बिल्कुल. देखिए, एक बात तो तय होता है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है. ये साजिशकर्ताओं के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है. इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आप कुछ दिन गुमराह कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जब सच्चाई सामने आएगी, एक एक कर बाहर निकलेंगे. आज ये शुरुआत है, तो मैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट को ढेर सारा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि लोगों की उम्मीदें भी अब सुप्रीम कोर्ट से ही केवल बची है, कोर्ट से ही बची है. क्योंकि जिस तरह से आप देखिए, डेमोक्रेसी के जो तीन अंग हैं, उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो अपनी जिम्मेदारी भूल गया, अपनी अकाउंटेबिलिटी भूल गया, और हर बात के लिए कोर्ट जाना पड़ता है. कोर्ट पे जिम्मेदारियां, काम भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली न्याय कोर्ट से मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है. मैं ढेर सारा धन्यवाद और आभार फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट का करता हूँ. मुझे हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, आम आदमी पार्टी परिवार के लिए आज मुझे लगता है ये बहुत बड़ा दिन है और एक बहुत बड़ा रिलीफ भी है. जी बिल्कुल संजीव, अब क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि संजय सिंह आपकी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे आने वाले चुनाव में? एक अहम वक्ता है, प्रखर वक्ता है आपके पार्टी के लिए. बिल्कुल, शेर फिर से बाहर आया है. शेर को चाहे तो पिंजरे में बंद नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि उसी तरह से, उसी बुलंद आवाज से, जिस तरह से पहले भी प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते रहे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार और तमाम चीजों में सरकार की संलिप्तता जो रही है, उसको लेकर अब पूरे देश में संजय सिंह की आवाज गूंजेगा. संजीव झा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए. पहली प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की हम सुन रहे थे. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.